नमस्ते, मैं सुरभि। तो आज मैं आप लोगों से कालनचोई के बारे में बात करूंगी। और ये बहुत सारे कलर में आते हैं और हाइब्रिड वाले में तो बहुत खूबसूरत कलर आते हैं। तो ये दो तरह से होते हैं, देसी और हाइब्रिड। तो गर्मियों में अक्सर ये ख़राब हो जाते हैं। सकुलेंट टाइप के जो भी प्लांट होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। गर्मी हो या बरसात हो, दोनों में ही ये ज़्यादातर चलते नहीं हैं, हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो कैसे इन्हें हम बचा के अपने गार्डन में सालों साल रख सकते हैं? और मेरा तो ये गर्मी हो बरसात हो, सालों साल इसमें फ्लावरिंग होते रहता है और देसी वाले में तो कभी फ्लावरिंग रुकती नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बातों का हम ख्याल रखते हैं तो ये हमारे गार्डन में सालों साल रहता है और मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट हम तैयार कर लेते हैं। और मैंने तो बहुत सारे प्लांट कटिंग से तैयार करके और इन्हें बचा के लोगों को दिया भी है। तो आज मैं कालनचोई के केयर टिप्स शेयर करूंगी। आप गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं इन्हें बचा के, और इससे ढेरों प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसी के बारे में मैं आज शेयर करूंगी कैसे इन्हें हम बचा के नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लें। और इसमें गर्मियों में भी बहुत सारा आप इसमें फ्लावर ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरे पास ये पिंक कालनचोई है जो कि मैंने गर्मियों में सस्ते दामों में लेके आई, क्योंकि विंटर में ये कॉस्टली आता है, 100 से 200 के बीच में आता है। ये मैंने 80 रुपीज़ के करीब में लेके आई थी। काफ़ी हेल्दी प्लांट था। और देखिए, ये रेड कलर का है, तो ये कहीं गिरा हुआ था, नर्सरी में फेंका हुआ था, तो वो मैं लेके आई और लगा लिया तो लग गया। और आज मेरे पास कटिंग से बहुत सारे प्लांट हैं, तो कटिंग से कालनचोई देसी हो हाइब्रिड बहुत ईजी से लग जाता है। और देखिए, ये भी हाइब्रिड, ये ऑरेंज कलर का है जो कि ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, बिल्कुल छोटी 1 इंच की कटिंग थी और उसमें लगाया है। देखिए, ये मेरी मिट्टी देख ही सकते हैं कितनी भुरभुरी है, और बिल्कुल मैंने इसमें पानी का ख्याल रखा है, ज़्यादा पानी दिया। मैं 1 वीक में एक बार ही इसमें पानी देती हूँ, गर्मी में भी। और ये सकुलेंट टाइप का है प्लांट है, जिसे पानी कम दें, पानी से ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है, गल जाता है। पानी ना दीजिएगा तो ये 1 वीक तक रहता है। और देखिए, इसके जितने भी अब मौसम चला गया है तो जितने भी फ्लावर फेड हो गए हैं या इसके स्टिक, अब इस फ्लावर के स्टिक ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसे इसे हटा दें। और इसे हटाने पर जहाँ से आप इसे कट कीजिएगा, न्यू ब्रांचेज निकल जाएगी। और ये भी देखिए, ये भी लग जाएगी, इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, पत्तों से भी ये ग्रो हो जाता है। तो पत्तों से ये थोड़ा टाइम लगता है, तो गर्मियों में इसे बचाने के लिए तो इसे जो सूखे फूल है उसे टाइम पर पिंच करते रहें, और उसके बाद से इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ छनछन की धूप आती हो। अगर कहा जाए तो आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आती हो, और इसे पेड़ों के नीचे रख दें, बालकोनी एरिया में रख दें, शेड के नीचे रख दें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। जहाँ अगर तेज़ धूप में रखिएगा तो ये प्लांट ख़राब होके गल के सूख के मर जाएंगे। तो देखिए, अभी भी मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, न्यू ब्रांचेज निकल रही है और फूल भी अभी भी आ रहे हैं। तो और देखिए, न्यू कलियाँ भी आ रही है। तो मैंने इसे ऐसे जगह रखा है जहाँ इसको ठंडक मिलती रहती है, और ये ठंडियों का ही प्लांट है। और देखिए, ये जो नीचे है मैंने इसके नीचे रख रखा है, बड़े प्लांट के नीचे रख रखा है। और देखिए, ये भी एक कालनचोई है, तो इसको हमेशा इसकी ठंडक मिलती रहती है, सिर्फ मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप आती है। और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो जितने भी, जैसे ये ट्रायंगल हार्ट हुआ या बेबी सनरोज हुआ, इनकी सारी कटिंग मैंने नीचे रखी है। ये सारी सकुलेंट वेराइटी के, तो बेबी टीयर हो या ट्रायंगल हार्ट हो, ये ठंडक वाली जगह का प्लांट है, तो ठंडियों में अच्छी तरह से चलता है, तो हम वैसे ही एटमॉस्फेयर इन्हें देते हैं। और देखिए, जब भी इसके फूल ऐसे सूख जाए तो जैसे ख़राब हो जाए ऊपर से पिंच करके हटा दे, इसे रहने ना दे, और ज़्यादा दिन तक इसमें रहेंगे तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी। और जैसे ही इसमें पिंच करके हटा दीजिएगा तो इसमें से नीचे से न्यू ग्रोथ होगी, और जितनी ब्रांचेज निकलेंगी उससे आप छोटी छोटी कटिंग बहुत ईजी से लगा सकते हैं। तो जो ये देसी हाइब्रिड है, इसे फुल सन में भी रख सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो ये छत पर पड़ा हुआ है, और इनमें कोई भी, ये पत्तियाँ इसकी थोड़ी लाल हो जाती है, बस यही फ़र्क आता है। और ये इसके देखिए, इतनी बड़ी कटिंग नीचे से पत्तियाँ हटा के लगा दें तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है,
बहुत सारी कटिंग मैंने लगा रखी है, और ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसे फुल सन में भी लगा के रखिएगा तो इसकी कटिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ईजी से लग जाता है। बहुत सारा प्लांट आप कटिंग से विंटर के लिए तैयार कर सकते हैं अभी भी, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी। और सबसे बड़ी बात कि इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती देसी वाले की, तो देसी वाले ज़रूर लगाएं, और हाइब्रिड वाले भी आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि सकुलेंट वाली वेराइटी कभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसे छोटे से छोटे हैंगिंग बास्केट में या पॉट में बहुत ईजी से ग्रो कर सकते हैं, और ये हैंगिंग बास्केट हो पॉट में, छोटे से पॉट में बहुत खूबसूरती से खिलता है, तो इसे ज़रूर लगा। और ये बहुत ही खूब, देखिए ये छाया के नीचे मैंने इसे रख रखा है, छत पर भी है तो मैंने बड़े प्लांट के नीचे इसे रखा है, इसे डायरेक्ट धूप नहीं आती है। और बहुत सारा कटिंग मैंने अभी तैयार कर लिया है विंटर के लिए, तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप बहुत देखने में खूबसूरत लगता है, इसके एक बार इसके फूल खिलते हैं तो महीनों इसके फूल बने रहते हैं, पत्तियों से भी बहुत ईजी से आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है रूटिंग होने में। तो कटिंग से लगाना बहुत ईजी है, पत्तियों में बहुत टाइम ले लेता है ये, तो आप इसे इजी से लगा सकते हैं। बस इसे अभी इस गर्मी, तेज़ गर्मी में छाया वाले स्थान पर रख दें, और इसके ढेरों कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं। थैंक यू।